इधर पूर्व विधायक संजय शुक्ला का भी बयान सामने आया है जीतू पटवारी को लेकर, उन्होंने निशाना साधा है। जीतू पटवारी के नेतृत्व पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है, संजय शुक्ला कह रहे, जो खुद भी पहले कांग्रेस में थे, जो बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो देखिए, जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए उनके, उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी के नेतृत्व पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। जीतू पटवारी को लेकर विशाल पटेल का भी बयान सामने आया है। विशाल ने जीतू को जीतू जादूगर बता दिया। देखिए, जीतू जादूगर बताते हुए विशाल पटेल। पूर्व विधायक संजय शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शुक्ला जी, आप क्या मानते हैं, आप क्यों आखिर कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है तमाम नेताओं का? हमने देखा पहले आप आए, उसके बाद तमाम कार्यकर्ता और अब अक्षय बम, और कांग्रेस कह रही है कि ये जो कार्यकर्ता नेता है ये पीठ में छुरा घोंप रहे हैं कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ नेता बचे, ना वहाँ संगठन है, ना कोई नेता है, ना कोई वहाँ चलाने वाला। ऊपर से देखिए, दिल्ली से लेकर इंदौर से लेकर नीचे प्रदेश से लेकर नीचे तक कोई नेता के अलावा कोई नहीं बचा। आदरणीय भले दिग्विजय सिंह जी हो या आदरणीय कमलनाथ जी हो या जीतू पटवारी जी, वो सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में चुनाव काम कर रहे हैं। और जितने कैंडिडेट है, जितने कार्यकर्ता और नेता, उनको सबको छोड़ दिया अपने भरोसे। जैसे विधानसभा में छोड़ा था, विधानसभा में आदरणीय कमलनाथ जी थे जो पूरे प्रदेश में काम कर रहे थे, परंतु जीतू पटवारी जी के आने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर कोई कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता और जो कैंडिडेट है उसको पूछने वाला नहीं था और ये स्थिति हो गई थी। तो उसी चक्कर में आज हमारे अच्छे भाई ने जो बम गिराया, तो मैं स्वागत करूंगा, जिससे कांग्रेस को सबक सीखने को मिला कि भाई जब तक अपन कैंडिडेट या संगठन काम नहीं करेंगे जब तक अपने साथ कोई नहीं रहेगा, और इंदौर में हम लाखों मतों जीते। पूर्व MLA विशाल पटेल इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और उनके मोबाइल में एक तस्वीर कहीं ना कहीं नजर आ रही है, और जिसमें नजर आ रहे हैं PCC चीफ जीतू पटवारी जी। और लेकिन जीतू जादूगर, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक नया तरीके का जो है वो तस्वीर है, मध्यप्रदेश कांग्रेस को पूरी तरह से गायब करने वाले सबसे बड़े जादूगर। आखिर ये इसके पीछे की वजह क्या है पटेल साहब? साफ नजर आता है कि उनकी नेतृत्व क्षमता है ही नहीं उनमें, और उनका नेतृत्व किसी को स्वीकार नहीं है कांग्रेस के अंदर। यही एक सबसे बड़ा कारण है जो कांग्रेस छोड़कर बहुत सारे लोग, अनेक बड़े नेता, जनाधार वाले व्यक्ति छोड़कर आ रहे हैं। क्या कुछ मानते हैं आप, ये सिलसिला और जारी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि पीठ में छुरा घोंपने का काम किया? पीठ में छुरा घोंपना नहीं घोंपना, ये शुरुआत अगर देखो तो जीतू पटवारी जी ने पहले ही कर दी थी। कांग्रेसी जो कट्टर कांग्रेसी थे, जो निष्ठा रखते थे कांग्रेस में, उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते थे। तो ये साफ दिखता था कि पीठ में छुरा माने पटवारी जी खोप रहे थे, और ये दिख रहा है कि नेतृत्व स्वीकार नहीं है। इसी कारण से पूरे मध्य प्रदेश से कांग्रेस धीरे धीरे छोड़ती जा रही है। चलिए, विशाल पटेल है और कह रहे हैं कि सिलसिला जारी है, लेकिन जीतू जादूगर के रूप में कहीं ना कहीं PCC चीफ पर कटाक्ष भी विशाल पटेल करते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।